दरबार में आपका स्वागत है। कांके से रोशन मुंडा और सागर मुंडा पिता शिबू मुंडा ने जानकारी दी है, जिसे देखने के बाद आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंचल के अधिकारी रैयतों के साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये दोनों कांके अंचल के हुजीर ग्राम पोस्ट हुंदूर थाना पिठोरिया के निवासी हैं। इनके पूर्वज बिगुआ मुंडा का नाम खतियान में दर्ज है। कांके अंचल के मौजा हुजीर थाना नंबर 44, खाता नंबर 51, प्लॉट नंबर 26, रकबा 73 डिसमिल, प्लॉट नंबर 106, रकबा 40 डिसमिल, प्लॉट नंबर 368, रकबा 46 डिसमिल, प्लॉट नंबर 369, रकबा 50 डिसमिल, कुल रकबा 2 एकड़ 9 डिसमिल। बिगुआ मुंडा वल्द कर्मा मुंडा शाकिम देह के नाम से खतियान में दर्ज है। उक्त जमीन खतियानी रैयत बिगुआ मुंडा को कोटवारी के काम के लिए नौकराना के रूप में दिया गया है। उक्त जमीन खतियान में बेलगाम दर्ज है, इसलिए बिगुआ मुंडा के नाम से अभी तक लगान रसीद निर्गत नहीं है। कोटवारी एक धार्मिक कार्य है। गांव में पहान के साथ ही गांव के धार्मिक कार्य करने के लिए पहान, पैनभरा, कोटवार आदि चयन होता है, जिन्हें व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो धार्मिक जमीन दिया जाता था वह बेलगान होता है। उस पर सरकार लगान नहीं ले सकती है। ऐसा ही बेलगान कोटवारी जमीन का रसीद कांके अंचल में दूसरे के नाम से काट कर उसे एक कंपनी को बेच दिया गया है। इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोशन मुंडा और सागर मुंडा ने उपायुक्त रांची, महामहिम राज्यपाल, झारखंड सरकार, मुख्य सचिव झारखंड सरकार आदि को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। अगला अंक में मैं आपको विस्तृत रूप से बतलाऊंगा कि रोशन मुंडा और सागर मुंडा ने अपने आवेदन में क्या क्या लिखा है और इनके परिवार को प्राप्त धार्मिक जमीन को किस तरह से बेधड़क एक कंपनी को बेच दिया गया, क्या दोषियों पर सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। आगे आने वाला अंक में मैं उन सभी दस्तावेजों को भी आपके सामने चैनल में रखूंगा जो रोशन मुंडा और सागर मुंडा द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं सरकार के ये नुमाइंदे किस तरह रैयतों को उनके जमीन से बेदखल करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं और जमीन मालिक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए विवश हैं। आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सरफराज अंसारी हुआ और मैं रांची जिला के कांके से हूँ। मैं एक सामाजिक सहायता कार्यकर्ता हूँ। क्या मामला है मुंडा जी के जमीन का? मामला देखिए, उन लोग का परदादा के नाम से खतियान बना हुआ है और वो खतियान में बेलगाम दर्ज है। उसमें इन लोग का पूर्वज जो है उस जमीन में खेती बाड़ी आजीवन करते आ रहे हैं और उनके स्वर्गवास होने के पश्चात जो है इनके फादर ये लोग अभी वर्तमान में यही लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और इन्हीं के कब्जे में भी अभी वर्तमान में जमीन भी है। अब इसमें मामला जो है, जब जमीन बेलगान है तो हम लोग अभी एक सप्ताह अमूमन हो रहा है लगभग, तो जब हम लोग पंजीवन वॉल्यूम 1 पृष्ठ संख्या 151 में देखे तो इनके पूर्वज बिगुआ मुंडा वल्द कर्मा मुंडा के नाम से चढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट उसी के ठीक नीचे इन लोग का नाम को घेर करके और रामलाल साहू का नाम को दर्ज कर दिया गया है। वहां पे कोई आदेश फादेश नहीं लिखा हुआ है कि ये डीसी का आदेश से चढ़ाया गया है, LRDC के आदेश से चढ़ाया गया है या अंचल अधिकारी के आदेश से चढ़ाया गया है। और जब उसका पंजी 2 देखिएगा वॉल्यूम 1 पृष्ठ संख्या 51 का, तो वहाँ पंजी 2 में भी दिखाता है बेलगान। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब
पंजी टू का भाग दो और पृष्ठ संख्या 171 में देखिएगा तो वहां पे रामलाल साहू पिता मांडू राम साहू के नाम से पंजी टू दर्ज कर दिया गया है और बिना लगान निर्धारण का, जबकि मुंडा के नाम से जमीन है, खतियान कह रहा है कि बेलगान है, लेकिन यहाँ रामलाल साहू के नाम से सिर्फ कंप्यूटराइज ऑनलाइन दर्ज है और लिखता है पन्ना फटने के कारण, जबकि दोनों पंजी टू का हम लोग निरीक्षण किए हैं, वॉल्यूम वन जो है पृष्ठ संख्या 151 वो भी अभी ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छा है, और वॉल्यूम टू का पृष्ठ संख्या 171 भी अभी जो नया बना है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें इन लोग का जो परदादा का नाम है वो गायब है। अब इसमें अंचल कर्मी, भू माफिया और एक कांके क्षेत्र में बहुत बड़े बिल्डर है, बहुत बड़े भू माफिया है जो अभी 17-18 को फ्लैट बनाए हुए हैं, उन्हीं का ये सब क्रिया जो कुकर्म किए हैं इस जमीन में, जो हेरा फेरी हुआ है ये, और एक ओम प्रकाश साहू नाम करके है, ये जो है रामलाल साहू का वंशज से ये ओम प्रकाश साहू पावर लिए, और एक व्यक्ति और है जमीन मालिक रामलाल साहू का कोई वंशज, ये दोनों मिलकर पावर लेते हैं और पावर लेकर जो है ये बेचते हैं कोई हेमा देवी को, और हेमा देवी को बेच के उसके नाम से रसीद मोटेशन कराते हैं और तुरंत वही कंपनी जो ईस्टर्न स्टेट जो संजू सिन्हा का है वो आदमी व्यक्ति जमीन को खरीदता है, और एक और जो उसका नाम भूल रहे हैं तफीजुल या कुछ कर नाम करके है वो लोग जमीन को खरीदता है। ये पूरी तरीके से आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और पंजी टू में छेड़छाड़ करके ये सीओ सीआई कर्मचारी से मिली भगत करके और इस मामला को अंजाम दिया गया है, और सिर्फ आपको ऑनलाइन में इसका नाम मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ये सीएनटी एक्ट का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस मामले में अविलंब संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, रसीद मोटेशन हो गया है वो रद्द होना चाहिए।